और पेक होके जो है ये कहाँ जा रहा है, ये कहाँ जा रहा है पेक होके? हाँ पिशावर। अच्छा व्यूअर जी, आप देख सकते हैं और यहाँ से जो है ये पेक होकर पिशावर की साइड जा रहा है, और ये जो है फुल ये कार्टन में जो है आपको तरबूज ही नजर आएंगे। ये फुल पैकिंग इनकी हो गई है और ये पिशावर की तरफ जा रहा है यहाँ पे। और एक कार्टन में जो है 4 दाने आते हैं तरबूज के। अच्छा व्यूअर, आगे की तरफ बढ़ते हैं और आपको मजीद जो है रेट के बारे में बताते हैं और क्वालिटी के बारे में बताते हैं। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। इस वक्त जो है मैं मौजूद हूँ फ्रूट मंडी में, और फ्रूट मंडी में जो है ये शेड है तरबूज का, और यहाँ पे आपको जो है काफ़ी तादाद में जो है तरबूज नज़र आएंगे। और ये देखें, ये भी तरबूज है, ये भी है, और इसमें जो है कुछ उस कलर की तरबूज भी है। और ये आप देख सकते हैं रशकश यहाँ पे जो है लगना स्टार्ट हो चुका है। रमज़ान आ रहा है करीब, तो रमज़ान में जो है तरबूज की जो है काफ़ी मांग होती है यहाँ पे। हर घर की जो है ज़रूरत होती है, क्योंकि प्यास ही इतनी लगती है कि मतलब तरबूज का इस्तेमाल जो है लाजमी हो जाता है। तो ये आप देख सकते हैं रशकश यहाँ पे देखें, और यहाँ के जो है रेट के बारे में भी जो है आपको बताते हैं, और तरबूज जो है ये भी पूछते हैं कि तरबूज कहाँ कहाँ से और कैसे आता है। और ये देख सकते हैं आप जो है यहाँ पे रश लगना स्टार्ट हो चुका है, और काफ़ी कितना दे रहा है? 800 रुपये। अच्छा अच्छा व्यूअर जी, आप देख सकते हैं और आपको मज़ीद दिखाते हैं, और इसके रेट के बारे में भी जो है आपको दिखाते हैं। और ये जो है पैक हो रहा है यहाँ पे, और पैक होके जो है कहाँ जा रहा है, ये कहाँ जा रहा है पैक होके? हाँ पिशावर। अच्छा व्यूअर जी, आप देख सकते हैं और यहाँ से जो है ये पैक होकर पिशावर की साइड जा रहा है, और ये जो है फुल ये कार्टन में जो है आपको तरबूज ही नज़र आएंगे। ये फुल पैकिंग इनकी हो गई है और ये पिशावर की तरफ जा रहा है यहाँ पे। और एक कार्टन में जो है 4 दाने आते हैं तरबूज के। अच्छा व्यूअर, आगे की तरफ बढ़ते हैं और आपको मजीद जो है रेट के बारे में बताते हैं और क्वालिटी के बारे में बताते हैं। कराची की फ्रूट मंडी की ये वो शेड है तरबूज का शेड है, ये आपको नजर आ रहा होगा। टोटल जो है यहाँ पे तरबूज आपको मिलेंगे, और ये जो है गाड़ी आई है और ये भी जो है यहाँ पे खाली, और ये तरबूज आए इसमें टोटल। और इसके जो ओनर है उनसे जो है बात करते हैं और उनसे पूछते हैं कि ये गाड़ी कहाँ से आई है और इतने छोटे छोटे तरबूज इसमें जो है कहाँ से आए हैं, और उसके अलावा जो है इसके जो है रेट के बारे में भी जो है आपको बताते हैं। और ये आप देख सकते हैं ये लाल सुर्ख तरबूज जो नज़र आ रहा है, माशाल्लाह क्वालिटी तो बड़ी अच्छी है। और इसके जो ऑनर है इससे रेट भी पूछते हैं, और इसके अलावा जो है इनका प्रोसेस भी जो है पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ सब ठीक ठाक हूँ। इस वक्त जो है मैं मौजूद हूँ कराची की फ्रूट मंडी में, और कराची की जो फ्रूट मंडी है ये तरबूज का शेड है, और यहाँ पे जो है आपको काफ़ी तादाद में जो है तरबूज नज़र आएंगे। और इनके जो ओनर है उनसे भी पूछते हैं और रेट के बारे में बताते हैं, और ये जो ट्रक आया है ये कहाँ से आया है और कैसे आया है, और इसका भी रेट पूछते हैं कि क्वालिटी के बारे में पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम। अच्छा अभी आपका नाम? अब्दुल सत्तार। अच्छा, तो बताएं ये तरबूज जो है कहाँ से आया है और इसके रेट क्या है और क्वालिटी के बारे में बताएं। ये सर ये तुरबत से आया हुआ है। तुरबत से आया है? जी जी, तुरबत से। ये आया समझ लो ये 8 टन होते हैं इसमें। 8 टन होते हैं? जी जी, इसमें 5 लाख से लेके 8 लाख तक होते हैं। अच्छा, क्वालिटी अच्छा होता है, ये लाल भी अच्छा होता है और मिठास का भी अच्छा। अच्छा जी जी, और इसका रेट क्या होगा, मतलब आप जब सेल करोगे? सर ये 500 रुपये के दाने के हिसाब से बिकते हैं।
टोल के हिसाब से नहीं मिलता जी, दाने के हिसाब से जी जी, एक दाना 500। अच्छा, 500 रुपए का दाना। और ये रमजान में भी ऐसे ही रेट लगा या रमजान में अभी बाजार का पता नहीं होता ना, अभी माल ज्यादा आ गया तो रेट गिर जाते हैं, कम हो गया तो। अच्छा, मतलब रमजान में कोई आईडिया नहीं कि रेट हाई होगा कम होगा? 10 रमजान तक तो हाई होगा। अच्छा, 10 रमजान के बाद। और इसका मतलब ये मिठास जायका सही होता है? जी जी, इनका जायका अच्छा होता है, लाल सुर्ख होता है, काले से अच्छा होता है मिठास। तो इसमें जो है वो ये कलर अलग है, वो जी वो काला होता है, वो ब्लैक होता है, ये जेब्रा होता है, इसका नाम है जेब्रा, इसका नाम जेबागुल। हाँ, तो वो काला भी मतलब वहीं से आता है कि नहीं, वो अलग जगह? हाँ जी, वो वहाँ से, अभी सिंध का, ये गाड़ी सिंध का आया है। अच्छा, वो गाड़ी सिंध का आया है। हाँ, ये तुर्बत का उतर रहा है, कुछ ईरान का भी आ रहा है। अच्छा, कुछ ईरान का भी आ रहा है। अच्छा यूवर, ये जो ओनर थे और इन्होंने बताया है माल कहाँ से आया है और क्वालिटी के बारे में बताया है और रेट के बारे में बताया है, और आपको जो है मजीद ऐसे रेट के बारे में बताते हैं और आगे की तरफ बढ़ते हैं, तो हमारे साथ रहें। और कराची की फ्रूट मंडी की ये वो शेड है, तरबूज का शेड है, ये आपको नजर आ रहा होगा, टोटल जो है यहाँ पे तरबूज आपको मिलेंगे। और ये जो है गाड़ी आई है और ये भी जो है यहाँ पे खाली हो रही है, तरबूज आए इसमें टोटल। और इसके जो ओनर है उनसे जो है बात करते हैं और उनसे पूछते हैं कि ये गाड़ी कहाँ से आई है और इतने छोटे छोटे तरबूज इसमें जो है कहाँ से आए हैं, और उसके अलावा जो है इसके जो है रेट के बारे में भी जो है आपको बताते हैं। और ये आप देख सकते हैं ये लाल सुर्ख तरबूज जो नज़र आ रहा है, माशाल्लाह क्वालिटी तो बड़ी अच्छी है। और इसके जो ऑनर है इससे रेट भी पूछते हैं और इसके अलावा जो है इनका प्रोसेस भी जो है पूछते हैं।